नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। आइए नजर डालते हैं शनिवार को किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी। सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की। तृणमूल कांग्रेस में स्ट्रेटेजिस्ट और ममता बनर्जी के करीबी रहे दिनेश त्रिवेदी ने आज लंबे समय से चल रही अटकलों को सच साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहीं TMC से दो विधायकों ने भी अपने टिकट कटने से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सांसद त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया था, जो कि खूब चर्चा में रहा था। बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से फोटो हटाने को कहा है, जिसकी शिकायत तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। दूसरी बड़ी खबर में आज 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों के प्रदर्शन ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने आज काला दिवस मनाया और हरियाणा में कई बॉर्डर पर 4 घंटों के लिए चक्का जाम किया। साथ ही कहा कि मांग पूरी न होने तक वे बॉर्डर पर जमे रहेंगे। किसान आंदोलन में अब तक अलग अलग वजहों से 200 किसानों की मौत हो चुकी है, जबकि सरकार से 11 दौर की बातचीत लगभग बेनतीजा रही है। बड़ी खबरों में आज कोरोना वायरस ने भी जगह बनाई। एक तरफ बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 18,000 केसेस सामने आए, वहीं दूसरी ओर आज देश भर में रिकॉर्ड 15 लाख लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा अपडेट के मुताबिक भारत में अब तक लगभग 1.68 करोड़ लोग पहला और 35 लाख लोग दूसरा डोज लगवा चुके हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आज दिल्ली का शिक्षा बोर्ड दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन किया। उन्होंने कहा कि बच्चे देशभक्त बने, अच्छे इंसान बने और उन्हें रोजगार मिले, इन्हीं 3 मकसद के लिए DBSE का गठन किया है, जिसे फिलहाल 20 से 25 स्कूलों में लागू किया जाएगा। KYNPost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।